घर क्यों बेचना चाह रही हो? परेशानी नहीं देखी जाती ना शजी की मुझसे, अच्छा है किसी के काम आ जाएगा। तुम्हारे हिस्से में आया था ना? हाँ, तो मैंने कोई कब्र में तो लेकर नहीं जाना ना अपने साथ, अच्छा है किसी बच्चे के काम आ जाए। बिट्टू का भी तो ख्याल करो। तन्नो, अगर अपना थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेती ना तो इतना अच्छा रिश्ता तय हो रहा था बिट्टू का और कुकू का। अम्मी और बाबा की पोजीशन समझने की कोशिश करें। रहने दे मानो, तू ना हर वक्त प्यो की साइड लिया कर। तेरे प्यो का तो ना सारी जिंदगी का यही पेट से आपा है, हर चीज के ऊपर बर्बादी फेर के रख दी। भाई नहीं कर सकते थे अलग से कारोबार तो क्या जरूरत पड़ी थी मुन्ने से इतना बड़ा पंगा लेने की? उस वक्त तो आप भी बड़ी चाबियां देती थी इनको। तो मुझे क्या पता था कि तेरे प्यो में गुण ही नहीं है। भले से मेरी तरफ से ना हर शय बेच दे पर पहले होगा तेरा ब्याह। अरे दुख तो इस बात का है कि बहू को टेंशन सिर्फ अपनी बेटी की है। अब देखो, अच्छा खासा रिश्ता तय था अस्पी और मानो का। यहाँ खून के रिश्ते खत्म हो रहे हैं, तुम बचपन की मंगनी की बात कर रही हो जिसे बच्चे शायद भूल भी चुके होंगे अब तक। याद है कितने शौक से हम लेकर आए थे इनकी अंगूठियाँ। अरे अच्छा हुआ रिश्ता खत्म हुआ, ये दोनों तो बने बनाए शजी और मुनीर हैं, आग के गोले। फराज और निजा का मिजाज कुछ और है। अगर मैं तो फिर भी ये कहूंगी कि अगर ये दोनों मिल जाए ना तो हो सकता है कि दोनों के दिल जुड़ जाएं, दोनों भाई इकट्ठे हो जाएं। अपनी सी कोशिश करके देख लो तुम। अच्छा फिलहाल तो तुम ये तस्वीर देखो, जकिया ने भेजी है बिट्टू के लिए। हाय भाई, हाँ तुम्हारे फोन में असूलन तो हमारी तस्वीर होनी चाहिए। दिल काफी नहीं है क्या इसके लिए? तुम भी हमेशा बातों से दिल जीत लेती हो। देखो उसका तो माकूल लग रहा है बेटे, बिट्टू के लिए है। इंजीनियर है। ओ एक सेकंड, मानो का फोन है, लगता है फिर फड्डा हो गया उसका और तन्नो का। हेलो, हाँ अभी आता हूँ मैं भाई। आ?